सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत स्कूली छात्र की मिली संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। जानकारी के अनुसार हायर सेकेंडरी स्कूल सरई से दो दिन पहले एक दसवीं का छात्र आशीष कुमार जायसवाल पिता केशव प्रसाद जायसवाल निवासी कोनी स्कूल से गायब हो गया था। शाम को जब आशीष घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों द्वारा चारों तरफ खोजबीन करना चालू कर दिया। कहीं पता न चलने के कारण सरई थाने में भी सूचना दी। बीते दो दिन पहले लापता हुए छात्र की तलाश हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे एक तालाब में शाम 4 बजे के आसपास लड़की का शव देखा गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल घटना को देखने के बाद से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस लड़की की हत्या करके तालाब में डाला गया है। क्या नाम है आपका? केशव प्रसाद जायसवाल। जो बच्चा तालाब में मिला है कि आपका ही है? जी हाँ, मेरा है। क्या कैसे मामला था? कब घर से घूमा था? ये गायब भी था शायद? घर से 10:20 पर घर से निकला है स्कूल के लिए। कितने तारीख को घूमा था? 22 को। हाँ, विद्यालय आया था? विद्यालय आया है और फिर? एक टाइम वो विद्यालय में लड़का प्रेजेंट है। हाँ। रजिस्ट्री में प्रेजेंट है और हाफ छुट्टी के बाद उस लड़के का ना घर पता चला ना स्कूल में पता चला। आप लोग खोजबीन किए? खोजबीन हम दिन डूबते समय इतना समय, मतलब 5 बजे से हम उस लड़के का खोजी करने लगे कि सभी लड़के आ गए और वो शायद नानी के घर चला गया होगा। तो नानी के घर पता किए तो नानी के घर नहीं है और ना घर में गया तो कहाँ गया। अब रिश्तेदारों में फ़ोन लगाए, पूरे रिश्तेदारों में कहीं पता नहीं चला, कोई पता नहीं। फिर पुलिस कंप्लेन किया आपने? पुलिस हमने शाम को आके कंप्लेन कर कब, दिया। कल शाम को? 22 को ही शाम को पुलिस को सूचना मिल गई थी। आज कैसे पता चला यहाँ? आज तो अभी यहाँ देखने लगे तो पता चला, हम अभी इस वक्त नहीं थे। कौन देखा? जानकारी किसको हुई यहाँ? जानकारी हम ना बता पाएंगे सर, किनको जानकारी हुआ है, लेकिन हमारे साला बोले कि कौन से बात हो रहा है कि हम पानी में घुस रहे हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या हुआ, मतलब इसके बारे में? इसके बारे में हमारे जेठ साला वो पानी में, हाँ, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अपराधी को ढूंढा जाए और प्रिंसिपल साहब को पहले बुलवाया जाए। क्या किसी के ऊपर शक है आपको? किसी के ऊपर डाउट? पूरी तरह से शक है। किसके ऊपर डाउट है? डाउट वो मनोज कुमार और एक दो नौरिया के लड़के हैं, एक विकास नाम का, एक पुष्पराज नाम का। ये तीनों लड़कों को आप बिल्कुल नामजद पकड़वाइए। और लास्ट बात उस मनोज के साथ हुआ है 1:45 पर, 20 सेकंड बात हुआ है। वो मोबाइल हमको दिखाया है और दोएम साहब साथ में थे। स्कूल स्कूल